हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पार्ट्स इन्फो। तो आज ऑल्टो के 10 गाड़ी है जिसका ऑयल डिस्चार्ज करे थे, अब उसका करेंगे हम ऑल लर्निंग वैल्यू इनिशियलाइजेशन, या ऐसे बोलते हैं गेयरबॉक्स कैलिब्रेशन। तो इसमें हम करेंगे ओके, उसके जाएंगे हम स्टार्ट में। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन होती है, इंजन स्टॉप होना चाहिए, इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, न्यूट्रल में होना चाहिए हमारा गियर सेट पोजीशन, और पार्किंग ब्रेक अप्लाई होना चाहिए। ये न्यूट्रल में है और उसके बाद हम करेंगे ये क्या नेक्स्ट, ठीक। उसके बाद कह रहा है इग्निशन स्विच ऑफ, ठीक है, इसको करेंगे इग्निशन स्विच ऑफ, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट। ये प्रोसेस होगी, 4 सेकंड की प्रोसेस होती है, 4 से 5 सेकंड की प्रोसेस होगी। उसके बाद करना है इग्निशन स्विच ऑन, इग्निशन स्विच करेंगे हम ऑन। उसके बाद करना है हमको नेक्स्ट, जब नेक्स्ट करेंगे तो प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस में यहाँ पे गियर शिफ्ट होगा और आवाज़ आएगी। अरे यार बुला ले जाओ, ए निखिल निखिल, जो काम 2 मिनट वाला है वो होना चाहिए कि इसमें गियर शिफ्ट दिखेगा, ये गियर शिफ्ट होने लगा, ये प्रोसेस होती है, ठीक है। हाँ ये प्रोसेस यहाँ पर प्रोग्रेस में लिखा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डिस्प्ले में गियर चेंज हो गए। वीडियो डालेंगे, न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इग्निशन स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट करना है, तो हम इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। ये प्रोसेस हो गई हमारी, फिर 5 सेकंड थी। उसके बाद इग्निशन स्विच ऑन करने के लिए बोलेगा, इग्निशन स्विच ऑन करने के लिए बोलेगा, तो इग्निशन स्विच हम करेंगे ऑन, ऑन करेंगे, उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट। उसके बाद तरह इंजन स्टार्ट करना है आइडियल में, एक्सेलेटर नहीं लेना है और इंजन स्विच ऑन करनी है। इग्निशन स्विच ऑन करेंगे, गाड़ी ऑन हो गई हमारी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे लाइट, ये ब्लिंक करेगी, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की लाइट है, ब्लिंक करेगी, और यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। ये प्रोसेस होता है 20 सेकंड का, ये प्रोसेस होगा 20 सेकंड के लिए। सीखेंगे प्रोसेस होगा, उसके बाद कहेगा इंजन ऑफ, टर्न ऑफ इग्निशन स्विच, तो इग्निशन स्विच ऑफ करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। ये 5 सेकंड की प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद हमसे कहेगा इग्निशन स्विच ऑन करने को, हम करेंगे इग्निशन स्विच ऑन, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ये बता रहा है ऑल लर्निंग वैल्यू सेटिंग्स इज कंप्लीटेड, परफॉर्म ऑटो गियर शिफ्ट लर्निंग रिजल्ट यूटिलिटी मेन्यू में। हमको चेक करना रहेगा जो इसके डेटा होते हैं स्टैंडर्ड डेटा, उससे मिलाना होता है, तो उससे मिलाएंगे। ये हो गया हमारा, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस जो है, क्लच असेंबली इनिशियलाइजेशन और शिफ्ट आवर इनिशियलाइजेशन, ये इसके अंदर ही हुआ है, ठीक है। तो ये करने की, दोनों करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब इसकी वैल्यू देख लेंगे, वैल्यू में क्या देखेंगे, इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, ये है, ठीक है। इस वैल्यू यहाँ पे है, और इसकी वैल्यू में डायरेक्ट यहाँ से, तो ये मेरे पास वैल्यू है, इससे मैं मिला सकता हूँ सेलेक्ट स्टोर हाई लो, ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए, उसमें बुक में मिलेगा। हाँ बुक में मिलेगा, हाँ ये मिला लेंगे, जो कि मैंने मिला चुका हूँ कि है, ठीक है। क्या मिला जाता है।
आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।